स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसके पहले तीन चार क्लासेस हो गई हैं और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं तो सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं कि कहीं भी यदि काम करने जाते हैं तो काम करने का तरीका क्या होता है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि एक्सीडेंट के केसेस आते हैं तो उनसे हमें कैसे बचना है, जैसे कहीं काम कर रहे हैं काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री का काम हो, वर्कशॉप का काम हो, अपना काम हो या दूसरे का काम हो, कैसे करना है। क्योंकि आप लोग अभी नए आए हो, नए एडमिशन लिए हो, मगर आपको ये नहीं मालूम कि हमें काम करना कैसे है, तबीयत ठीक है तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था बहुत सारे पॉइंट बताया था, नशे की आदत, आप नशे की आदत यानी नशा करके कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि आपका स्वास्थ्य या तबीयत सही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट में मैं बताया था, खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानी होना चाहिए, बहुत सारे मैंने पॉइंट बताया था कि आपको काम कैसे करना है। क्योंकि नए कैंडिडेट हूँ, नए कारीगर बनोगे, इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हो, कोई भी व्यवसाय हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर, सभी के लिए होना चाहिए काम करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान पर रखना है, तो ये मैंने पिछले वीडियो पर भी डिस्कशन कर लिया था। अब आज के जो ये वीडियो है या आज की जो क्लास है, अपन वीडियो या क्लास बोल सकते हैं, ये है वैद्युतिक दुर्घटनाएं यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं, बिजली से आपको झटका लगता है, करंट लगता है, तो आपको बचना कैसे, कितने टाइप के होते हैं, यदि किसी को करंट लग गया है तो कैसे बचा सकते हैं, उसको हम कैसे करंट से छुड़ा सकते हैं, किन किन अवस्था में करंट लगता है। क्योंकि आप लोग अभी काम किए नहीं हो, आप काम करोगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट लगता कैसे है, करंट लगने के कारण क्या हैं, यदि किसी को करंट लग गया तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जो वैद्युतिक दुर्घटनाएं हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हैं, तो कैसे कैसे होते हैं ये अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि वैद्युतिक दुर्घटना अथवा खतरे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से है। यानी किसी व्यक्ति को जब विद्युत का झटका लगता है, विद्युत का शॉक लगता है, विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि ये जो आपको करंट लगता है तो करंट कोई बता के नहीं लगता, और ये अनहोनी टाइप के हो जाता है कि यदि आपको टच हुआ कि तुरंत करंट लग सकता है, झटका उसका लग सकता है, और इसमें कंटिन्यू दुर्घटना होने की चांसेस बने रहते हैं, संभावनाएं बनी रहती हैं। प्रशिक्षक होता है ट्रेनिंग या अभ्यर्थी या छात्र बोल सकते हो, प्रशिक्षक यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करे तो सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधी कितने ही जोखिमपूर्ण कार्य को सहज एवं सरल भाव से संपन्न कर सकते हैं। एक कारीगर 11 KV में, 33 KV में यानी हाई वोल्टेज पर भी काम कर सकता है, यदि वो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम करेगा, पूरा सेफ्टी के साथ काम करेगा, तो उसको करंट लगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि ऐसे लोग करते भी हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं मगर उनका दिमाग कहीं और रहता है, जिनके कारण कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक के कारण उनको करंट लग जाता है। तो आप लोग को यही समझना है कि इसमें से यदि हम बिजली का काम कर रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम करना है, बिल्कुल एकाग्रता से काम करना है, और हमारे जितने भी सेफ्टी हैं उनको सभी को यूज करना है, यानी हमारी प्लायर पे इंसुलेशन लगे होने चाहिए, पैरों पे सूज होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए हाथों में, तो आपको करंट लगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि विद्युत झटका लगने के कारण, यानी जो विद्युत झटका लगने के कारण क्या है, यानी केसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगने के कारण क्या है, यदि करंट किन किन कारणों के कारण लगता है। अब लिखा हुआ है कि जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। हमारे शरीर की वोल्टेज सहने की क्षमता है 90 वोल्ट से कम, यानी 90 वोल्ट से महसूस होता है मगर झटका नहीं लगता। आप लोग कार की, बाइक की या ट्रैक्टर की बैटरी देखे होंगे, 24 वोल्ट की होती है, उसके पॉइंट पकड़ लेते हो मगर आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि 12 वोल्ट 24 वोल्ट की उसमें से वोल्टेज लेवल होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है,
यानी हमारे शरीर की क्षमता जो होती है वोल्टेज सहने की 90 वोल्ट की होती है। अब जब 90 वोल्ट से वोल्टेज का लेवल ज़्यादा होता है तब हमारे शरीर में झटका लगता है, और झटका लगता है यानी प्रभाव पड़ता है करंट का, वही कहलाती है करंट लगने का प्रथम कारण है कि जब हमारे शरीर में 90 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज प्रवाह होने लगता है तब हमें अनुभव या झटका लगता है। यही झटका विद्युत झटका कहलाता है, यही झटका इलेक्ट्रिक झटका या विद्युत झटका कहलाता है। इसका मुख्य कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। करंट की बहुत स्पीड होती है, लगभग 3×10³ मीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड होती है जो हमारे शरीर और धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। जो करंट की स्पीड है हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड है उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती, मेल जोल नहीं स्थापित करता, जिसके कारण हमारे झटका लगता है, हमारे जो ब्लड बहने के सर्कुलेशन है यानी जो खून दौड़ाव है उसको रोक देती है करंट, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमें करंट लग जाता है, हमारी मृत्यु भी हो जाती है। जब बहुत हाई लेवल का करंट हमारे शरीर के द्वारा फ्लो होता है, हमारे शरीर में टच हो जाता है, तो हमारे जो ब्लड है, जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, ब्लड हमारे शरीर में पूरे फ्लो हो रहा है इस टाइम पे, तो जिसके कारण ऑक्सीजन हो चलती है, जब ब्लड रुक जाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण एक कारीगर को या एक मैकेनिक की मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखते हुए रखना है कि विद्युत झटका लगने के कारण क्या है, कि हमारे शरीर में सामान्यतः 90 वोल्ट से ऊपर का झटका महसूस होता है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा झटका लगेगा। करंट की स्पीड होती है 3×10³ मीटर प्रति सेकंड, यानी इतने स्पीड पर करंट की तीव्रता यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उसके और करंट के दोनों का मेल नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन का प्रभाव रुक जाता है और हमारे करंट शरीर में लग जाती है। नेक्स्ट है विद्युत झटका के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ, यानी जो विद्युत झटके के कारण होने वाली जो शारीरिक हानियाँ हमारे शरीर में क्षति क्या होती है। फिजिकल डैमेजेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित क्षतियाँ हो सकती हैं। ठीक, निम्नलिखित क्षतियाँ हो सकती हैं। पहला है शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है, तेज झटका लगता है, तो उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, ये एक गुण है कि शरीर में सबसे पहले छाले पड़ जाते हैं। दूसरा है किसी अंग का मांस जल जाता है। जहाँ पर आप टच करोगे, जहाँ पे आपसे करंट टच हुआ है, वायर टच हुआ है, तो वहाँ की मांस यानी चमड़ियाँ जल जाती हैं। सेकंड नंबर पॉइंट यही बताया गया, किसी अंग का मांस, जो चमड़ी होती, जो खाल होती है, वो जल जाती है, वहाँ पे हड्डियाँ दिखने लगती है। तीसरा कारण है रक्त प्रवाह हो सकता है। रक्त प्रवाह यानी ब्लड निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि जब शरीर जल जाती है हमारा ब्लड वो फोड़े पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिनके कारण रक्त प्रवाह हो सकता है। चौथा है श्वसन में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, यानी हम सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। पांच कारण है करंट लगने के। पहला है हमारे शरीर में छाला पड़ जाएगा, दूसरा है हमारी मांस जल जाएगी, तीसरा है रक्त का प्रवाह चालू हो जाएगा, नहीं हमारे ब्लड निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा, चौथा है श्वसन, सांस लेने में रुकावट उत्पन्न होती है, आदमी सांस नहीं ले पाता है, पांचवा बोला कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है। जब हमारे शरीर में झटका लगता है, करंट का प्रवाह बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं, तो व्यक्ति बेहोश हो ही जाएगा। छठवां नंबर है हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जो फेफड़े हैं, जो आपकी हृदय हैं, उनकी जो धड़कने की उनकी गति रुक जाती है, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति की या सामान्य मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं कि करंट लगने से क्या क्या हो जाता है। छाले पड़ जाते हैं, हमारी खाल जल जाती है, मांस जल जाती है, उसके बाद हमारा ब्लड उसमें बहने लगता है शरीर से, ब्लड के बाद सांस में रुकावट हो जाती है, हमारी जो हृदय गति है रुक जाती है। तो ये कुछ कारण हैं करंट लगने के। नेक्स्ट है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, यानी किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तब उसको कैसे छुड़ाएंगे। सॉल्यूशनिंग
सॉल्यूशन ए पर्सन फॉर्म इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट, किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक पकड़ लिया है, करंट से चपक गया है या काम करते करते उसको करंट लग गया है, यदि मैं उसको देख रहा हूँ उसको करंट लगा हुआ उसको पकड़ लिया है तो आप कैसे छुड़ाओगे, छुड़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जाके उसी व्यक्ति को हाथ से दोनों पकड़ के खींचने लगे, पता चले हमें भी करंट लग गया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आपके दोस्त को करंट लग गया है तो आप उसको कैसे बचाओगे, क्या क्या कारण है, कैसे कितना जल्दी उसको बचाओगे, यदि कहीं लटक रहा तो उसको कैसे बचाओगे कि वो ज़मीन पर भी ना गिरे। ये सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण सप्लाई लाइन से चिपक गया हो, तो उसे तत्परता से निम्न प्रकार छुड़ाएं। तत्परता मतलब होता है तुरंत निम्न प्रकार छुड़ाएं। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का कार्य करते समय या बिजली का काम करते समय किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी कारीगर को, किसी मैकेनिक को करंट लग गया है, वो चिपक गया है, आप देख रहे हो क्योंकि आप भी साथ में काम करने गए थे, तो आप उसको कैसे छुड़ा सकते हो, कैसे बचा सकते हो, बचाने का तरीका क्या होता है, आगे आपको एक एक पॉइंट करके देखेंगे। पहला नंबर है, मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। सबसे पहले प्रथम ऑप्शन होता है कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है, हम मान लो इस बोर्ड को काम कर रहे थे, स्विच बोर्ड में काम कर रहे थे, हमें यहीं पे करंट लग गया है, तो हमारा जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को करंट लग गया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच MCB को ऑफ कर देना चाहिए, जहाँ से बिजली यहाँ तक आई है, जहाँ से बिजली यहाँ तक आई है उसकी मेन स्विच ऑफ कर दें, ताकि उस व्यक्ति को पहले बच जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, किसी मशीन मोटर पे काम कर रहा था, उस मशीन पे लीकेज करंट था, बॉडी पर करंट था, वो टच किया, उसको करंट लग गया, तो वहाँ की मेन स्विच ऑफ कर दो, NMCB स्विच ऑफ कर दो। ये नहीं कि आप जाके उसको खींचने लगो या डंडा पीटने लगो। ये पहला कारण है कि आपको या आपके दोस्त को करंट लग गया हो, देख लिया चपका है, तो आप सबसे पहले वहाँ के स्विच ढूंढोगे, MCB ढूंढोगे कि कितना जल्द से जल्द उस MCB को ऑफ कर दें ताकि वो बत्ती बच जाए। दूसरा नंबर है, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि MCB दूर है, हमारे MCB जाते जाते इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या MCB नहीं लगी है, मेल लाइन पे ही चपक गया है, MCB के ऑप्शन नहीं है, स्विच का ऑप्शन नहीं है, बंद करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है कि हम सूखी लकड़ी से उसको हटाएं, या चटाई पर खड़े हो जाएं, हमारा स्लीपर होना चाहिए उससे हम खींचें, तार को पीट दें, डंडे मार दें, ये तरीके होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास है उसको बचाने के लिए। ठीक यही है कि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन है, नहीं मेन स्विच नहीं मिल रही है, MCB नहीं मिल रही, स्विच नहीं लगा हुआ है, तो स्वयं अपने को पहले रबर की चटाई पर खड़ा करना है, यानी हम पहले रबर की चटाई पर खड़े हो जाएंगे, सूखी लकड़ी की वस्तु हो या प्लास्टिक की मोटी वस्तु हो आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएंगे, हमारे पैर के नीचे चटाई हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, लकड़ी हो, उस पर खड़े होना फिर खींचना है, ताकि आपको करंट ना लगे, आप भी बच सको। ऐसा नहीं कि हम देख लिए उसको करंट लग गया तो हम भी जाके पकड़ के खींचने लगे, आपको भी करंट लग जाएगा, क्योंकि उसका धारा प्रभाव आपके में आ जाएगा, आपसे ग्राउंड जा रहा है ज़मीन पे, करंट दोनों में फ्लो होने लगी, दोनों लोग चिपके रह जाओगे, तो ये गलती नहीं करना है। तीसरा नंबर है, विद्युत झटका लगने पर सूखी लकड़ी से भी पीड़ित को विद्युत संपर्क से पृथक, यानी पृथक का मतलब होता अलग किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को, किसी कारीगर को, आपके दोस्त को, आपके भाई को करंट लग गया है, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि सूखी डंडे से, सूखी लकड़ी से धक्का देकर वायर को हटाकर, उसके जहां पे हाथ चपका है उसको हटाकर आप उसको बचा सकते हो, आपके पास तीसरा ऑप्शन है। चौथा नंबर है, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, जिससे उसे अधिक चोट न लगे। मान लो कहीं व्यक्ति ऊपर काम कर रहा था, ऊपर करंट लग गया है,
करंट ऊपर भी लग जाते हैं, तो आपको छुड़ाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि वो ऊपर से गिरेगा नीचे ज़मीन पे, तो पता चले उसके हाथ पैर बचे थे तो वो भी टूट जाएंगे, करंट से बचा तो हाथ पैर टूट गए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आपको काम करना है। कहीं पोल पर कोई व्यक्ति काम कर रहा था उसको करंट लग गया, तो ऐसे नहीं कि आप वहाँ से पीट दो तो गिरे बदाग से यहाँ पे स्पायर खत्म हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखना है कि किसी व्यक्ति को हम छुड़ा रहे हैं करंट से तो उसके गिरने की अवस्था, कहीं गिरेगा तो टूट फूट जाएगा, नीचे पत्थर होगा, कंकड़ होगा, लकड़ियाँ होंगी, तो उसमें ना गिरे। तो ये सभी चीज़ों को देखना, नहीं तो अलग से उसके चोट लग जाएगी, अधिक चोट लग सकती है। पता चले लाइट से मृत्यु ना हो तो गिरकर मर गया। तो इन सभी कारणों को आपको देखना है। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो आपको छुड़ाने का तरीका है, हम खुद पहले सूखी लकड़ी पर, प्लास्टिक पर खड़े हो जाएं, स्लीपर पहन लें, फिर उस व्यक्ति को खींचें। पहला ऑप्शन है MCV आप करें, स्विच ऑफ करें। किसी व्यक्ति को हमारे घर पे, हमारे भाई को काम कर रहा था, वो लग गया करंट, सबसे पहले हमें जाके MCV ऑफ कर देना ताकि वो बच जाए। MCV नहीं मिल रही, MCV दूर है, ज़्यादा दिक्कत है, सबसे पहले अपनी चटाई पर, लकड़ी पर या प्लास्टिक के उसमें से खड़े होकर खींचना है। हम ऐसे नहीं कि नंगे पर गए और उसको खींचने लगे तो पता चले हमें भी करंट लग गया। तीसरा ऑप्शन है डंडे से, डंडे के माध्यम से उसको वायर हटा दो, डंडे के माध्यम से पीट दो, वायर को ठोंक दो ताकि वो छूट जाए। चौथी अवस्था ये भी है कि हम उसको करंट से छुड़ा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि करंट से छूटे तो उसकी गिरने से चोट लग जाए, हाथ पैर में चोट लग जाए। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है। अब करंट लग गया, हमें करंट से बचा भी लिए, अब उपचार क्या कर सकते हैं? यदि हमारे आसपास हॉस्पिटल नहीं है, घर दूर है, हॉस्पिटल से घर दूर है, रात हो गई है, ले जाना संभव नहीं है, तो क्या कारण है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, हम उसको छुड़ा लिए हैं, तो अब उपचार क्या करें, मेडिकल क्या कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? विद्युत झटके के कारण उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, अब वो करंट से हम उसको बचा लिए हैं, मगर अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, दर्द कर रहा है, छाले पड़ रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जांच करें कि क्या पीड़ित स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है, स्वाभाविक रूप से यानी स्वयं व्यक्ति सांस ले पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले यही जाँच करनी है कि वो इंसान सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, और सचेत है कि यदि पीड़ित उचित रूप से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करें। हमें सबसे पहले ये चेक करना है भाई कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है तो ऑक्सीजन ले पा रहा है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। यदि नहीं ले पा रहा है तो अपनी सांस उसको देना है, कैसे, मुंह पर मुंह रख के फूंकना है ताकि उसका फेफड़े खुल जाए, चोक हो गया है, ताकि वो सांस ले पाए। जिंदा करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि करंट लगता है तो सबसे प्रॉब्लम यही जाती है, सांस लेने में दिक्कत, सांस नहीं ले पाता जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले यही चेक करना है कि सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। यदि नहीं ले पा रहा है तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करें, तुरंत श्वसन प्रक्रिया चालू करें, हमें ऑक्सीजन लगा दें, या ऑक्सीजन नहीं व्यवस्था है तो हम अपनी ऑक्सीजन उसको देंगे। तो ये पहला प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है पीड़ित की जाँच करें कि उसे कोई घाव तो नहीं लगा। हमें पीड़ित को चेक करना है कि उसको कहीं घाव तो नहीं लगा, ब्लड तो नहीं निकल रहा है, गिरा है तो टूट फूट तो नहीं गया है, वो चेक करना है, या उसका कोई भाग जला तो नहीं गया। तत्पश्चात कृत्रिम सांस देने की उपयुक्त विधि निश्चित करें। सबसे पहले यही दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि हमें ये चेक करना है कि व्यक्ति कहीं ब्लड तो निकल नहीं रहा, टूट फूट तो नहीं गया है, अदर कुछ कंडीशन तो नहीं हो गई, अदर घाव तो नहीं हो गया है, उसके बाद ही अपन सांस देने की विधि अपनाएंगे। तीसरा है, नेक्स्ट है कि छाती अथवा पेट पर चोट, जलन की स्थिति में मुंह से मुंह सांस देने की विधि अपनाएं। अपन छाती पर चोट लग गई है, पीठ पर लग गई है, पेट पर लग गई है, तो सबसे पहले हमें, मैं पहले बोला था कि मुंह से मुंह सांस देने की प्रक्रिया करें। जिस व्यक्ति को करंट लगा है उसको सांस लेने में दिक्कत है तो उसके मुंह पर अपना मुंह रख कर फूंकना है, यानी अपनी हवा उसके पेट में डालना है, उसके मुंह में डालना है प्रेशर से, जिसके कारण वो बस जाएगा। प्राकृतिक नियम है या कृत्रिम सांस देने की पहली विधि है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कि हम अपनी ऑक्सीजन हम उसके मुंह पे मुंह रखकर खूब तेज से फूंकेंगे, जिसके कारण उसके सांस लेने में आराम मिलेगा और जी सकता है। उसको लेटाएंगे, हम उसके मुंह पे मुंह रखेंगे, फिर अपनी हवा को, ऑक्सीजन को उसके पेट में मुँह पे खूब प्रेशर से देंगे। चौथा नंबर है,
पीठ पर चोट, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी है, जलन की स्थिति पे नेल्स विधि को अपनाएं। यानी किसी व्यक्ति को पीठ में चोट लग गई है तो एक नेल्स विधि आती है। नेल्स विधि यानी हम उसको उल्टा कर देते हैं, पीठ मतलब उसको पीठ बल नहीं लेते हैं, उल्टा लिखाएंगे, फिर इधर से ऑक्सीजन देंगे जिसके कारण वो भी बच जाएगा। अगर मुंह बंद है तो ऐसी स्थिति में सैफर अथवा होलगन नेल्स विधि अपनाएं। यदि मुंह बंद है तो मुंह बंद होने के कारण भी लोग मर जाते हैं, तो उसके लिए बोला गया है कि होलगन नेल्स विधि एक आती है, उसको हम अपनाकर उसको बचा सकते हैं। तो ये स्थिति है कि यदि आपके दोस्त को, आपको या किसी काम करते समय, क्योंकि वर्कशॉप पे, फैक्ट्रियों पे या कहीं भी काम करोगे, बिजली का करंट लग जाता है, हमारे पास हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती, एम्बुलेंस नहीं होती, जिसके कारण हमें उसको बचाव लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को करंट लग गया है, चपका है, तो कैसे छुड़ा सकते हैं, छुड़ाने के बाद, उसको हटाने के बाद हम उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो भाई, इसके आगे अब आप बिजली का काम करोगे, बिजली का काम करने से पहले सेफ्टी के बारे में बहुत ज़रूरी जानना। सेफ्टी यानी हमें ये जानना है करंट कैसे लगते हैं, करंट लग गया तो कैसे बचा सकते हैं, अब करंट लगे हुए व्यक्ति को हम जीवित कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब है खतरे दुर्घटना से बचाव, प्रिवेंट फॉर्म हर्ट्स एंड एक्सीडेंट। एनी खतरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाएं एवं खतरे से बचाव के लिए निम्न में महत्वपूर्ण बातों का एग्जाम होना चाहिए, आवश्यक है। निम्न प्रकार के यानी कार्य क्षेत्र में काम करते समय घटित होने वाली दुर्घटना, हरदम कुछ ना कुछ वर्कशॉप पे होता है, एक्सीडेंट हर जगह कहीं ना कहीं होती रहती हैं, उनके खतरे को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बातों को ध्यान पे रखना है कि हम कैसे बचा सकते हैं। अब आता है पहला नंबर है सुरक्षा चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना। भाई साहब, आप वर्कशॉप पे गए होंगे, इंडस्ट्री पे विजिट करने गए होंगे, तो हर जगह पोस्टर लगे रहते हैं, डेंजर कहीं लिखा है, कहीं लिखा खतरा लिखा है, कहीं पानी की सुविधा लिखा है, मतलब तरह तरह के पोस्टर आपको दिखेंगे। हॉस्पिटल हो गया, रेलवे में जाओगे, इंडस्ट्री पे जाओगे तो लिखा रहता है। तो सबसे पहले सुरक्षा से संबंधित चिन्ह का पोस्टर लगाना चाहिए। हमें किसी को बताने से पहले हमारे फैक्ट्रियों पे एक पोस्टर लगा होना चाहिए सुरक्षा। हमें सुरक्षा का नियम जानना चाहिए, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उन पर पोस्टर लगा रहेगा, कोई भी व्यक्ति पहले उस पोस्टर को पढ़ेगा, देखेगा, तभी जाके आगे काम करेगा। दूसरा है विद्युत यंत्र एवं मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। विद्युत यंत्रें या जो मशीनें हैं, कोई भी मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन, अल्टरनेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर होती हैं, उसमें डेंजर जरूर लिखवाना चाहिए, डेंजर का सिंबल होना चाहिए, डेंजर खतरा लिखा होना चाहिए, जिसके कारण किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आने से पहले देख ले कि हाँ खतरा है, इधर नहीं आना भाई, ये इस एरिया में खतरा है। आप एक बिजली का सब स्टेशन पे जाते होगे तो बिजली के सब स्टेशन पे देखते हो कि चारों साइड तार की जालियां करवा देते हैं, फिर उसके चारों साइड लिखवा देते हैं छोटे छोटे पोस्टर में, बोर्ड में, डेंजर खतरा, अंदर आना मना है, अंदर डेंजर है, अंदर खतरा है, बहुत हाई लेवल की वोल्टेज है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको देख लेगा कि भाई इस एरिया में नहीं जाना, खतरा है। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मशीनों के ऊपर लिखा होना चाहिए खतरा, खतरे का चिन्ह बना होना चाहिए, खतरा लिखा होना चाहिए, डेंजर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाले संभावित दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। हमारा जो बोर्ड है या हमारे पास जो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर है, तो उससे जितनी भी दुर्घटना होने वाली घटित चीज़ें हैं उनको लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पे बेल्ट चल रहा है, बेल्ट से बचें, और ना कोई चैन चल रहा है, चैन से बचें, उंगली ना डालें, हाथ ना डालें, मफलर ना पहने, टाई लगा के ना आए, मतलब हम 5-6 पॉइंट जो भी उसके खतरे हों, किस किन कारणों के कारण खतरा हो सकता है, वो सारी चीज़ लिख दें। यहाँ पे कोई भी चीज़ लिफ्ट से जा रही है तो लिख दें ओवरहेड डेंजर, यानी हमारे सर के ऊपर से कुछ मशीन जा रही, कुछ जा रही तो गिर सकती है, आपको टोपी लगा कर ही यहाँ पे खड़ा होना है। तो सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए, तो एक कारीगर को, एक इलेक्ट्रीशियन को वहाँ पे पता चल जाएगा भाई किन किन कारणों से यहाँ पे खतरा हो सकता है, इनसे हमें दूर रहना है। नेक्स्ट है किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पहले उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच कर लें। बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर होती है, मशीन होती है, अल्टरनेटर होता है, जनरेटर होता है, अब उसको टच करने से पहले हमें ये चेक करना है कि मशीन अर्थिंग है नहीं,
कभी कभी क्या होता है, लीकेज करंट निकलती है, लीकेज करंट बॉडी पर आ जाती है, और कोई इलेक्ट्रीशियन कोई कारीगर उस बॉडी को ऐसे टच किया तो पता चली उसको करंट लग गया। यदि वो मशीन अर्थिंग है तो जो लीकेज करंट है तो पूरी ज़मीन में चली जाएगी, तो एक कारीगर ने टच भी कर देता है तो उसको करंट नहीं लगेगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम कोई भी मशीन को टच करने से पहले ये देखेंगे कि ये अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं किया है। यदि अर्थिंग नहीं किया है तो उसको हम टेस्टर से टेस्ट करेंगे, कहीं लीकेज करने तो नहीं आ रहा, बॉडी में करंट तो नहीं आ गया है, नहीं तो यदि आप टच करोगे तो बॉडी में करंट रहेगा तो आपको करंट लग जाएगा। पाँचवा नंबर है, आग बुझाने वाली रेत से भरी बाल्टियों को आग बुझाने के संयंत्र से उचित दूरी पर रखें। हर एक वर्कशॉप पे, हर एक फैक्ट्री पे आग बुझाने के संयंत्र होने चाहिए। आप देखिए पेट्रोल पंप में जाते हो तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, रेत से भरी हुई बाल्टियाँ रखी रहती हैं। मान लो अचानक आग लग गई तो हम रेत ढूंढने नहीं जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने नहीं जाएंगे, तो अपन को पहले से व्यवस्था करके रखना है। रेत रहेगी तो जहां करंट वो आग लगी हम रेत को फेंक देंगे तो हमारी आग कंट्रोल हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं तो उसके कारण हम लोग बचा सकते हैं, आगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इंडस्ट्री पे, कोई वर्कशॉप है, किसी के बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो ये हर जगह लगाने चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है कि प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। हमारे पास आजकल टूल किट आते हैं, कोई भी औजार है, कोई भी हमारा टूल्स है, सभी टूल्स के प्रॉपर जगह होती है। ऐसा नहीं कि हमारा काम हो गया हम यहीं से फेंक दिए, टूल किट रखा गया, हमें अब जब काम ढूंढना तो वहाँ ढूंढने के पता चले ढूंढते ढूंढे हमारे हाथों में लग गया, कील लग गई, कुछ दूसरी चोट लग गई। तो सभी चीज़ों को प्रॉपर रखना है, प्रॉपर मतलब सभी चीज़ों को प्लायर का प्लायर की जगह रखना है, हैमर को हैमर की जगह रखना है, स्क्रू ड्राइवर के सेट आते हैं आजकल स्क्रू ड्राइवर के सेट में रखना है। ये नहीं कि हम यहीं से हमारा काम हुआ फेंक दिए, इधर उधर गुम गया, फिर हमारा जब दोबारा काम पड़ा मिल ही नहीं रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक कार्यशाला उद्योग घर में मिनीएचर सर्किट ब्रेकर MCB ऐसे स्थान पर स्थापित होने चाहिए जहां विद्युत का सरलता से पहुंच सके। देखे होंगे आपके घरों पे MCB लगी होगी, और MCB एक प्रॉपर हाइट पर लगी होगी, ज़्यादा हाइट पर भी लगी नहीं होगी ना तो ज़्यादा पास में भी होगी, मतलब एक सामान्य व्यक्ति उसको आसानी से अपने हाथों से ऑन ऑफ कर सके। यदि मान लो हम बहुत हाइट पर लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हाइट पर, आप नहीं पाओगे, फिर आपको टेबल पर चढ़ना पड़ेगा या किसी डंडे से आपको चालू बंद करना पड़ेगा, तो ये गलत है। उचित स्थान पर लगाना चाहिए कि हमारा वहाँ उजाला भी हो, वहाँ पे हम आसानी से ऑन ऑफ भी कर सकें। ये नहीं कि हम बहुत छत पे लगा दें, पता चले चढ़ने पड़े हमें MCB को ऑन ऑफ करना, पहले टेबल मंगवाएं, कुर्सी मंगवाएं, फिर चढ़ें, या डंडे से पहले हम ऊपर नीचे करें, या ज़्यादा पास में भी नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे उसको ऑन ऑफ कर सकें। तो एक उचित स्थान पर उसको इंस्टॉल करना चाहिए MCB को। नेक्स्ट है, प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार चित्र अवश्य लगाना चाहिए। प्राथमिक उपचार का जो चित्र है, आप फर्स्ट एड सुने होंगे, डब्बे होते हैं उसमें बेटाडीन पट्टी ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो प्रत्येक कार्यशाला यानी वर्कशॉप में प्राथमिक उपचार मेडिकल के छोटे छोटे किट जरूर होने चाहिए। किसी के छोटे मोटे खरोंच आ गए, आप बैंडेज होना चाहिए, बेटाडीन होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, तो वहाँ पर होना चाहिए ताकि किसी कारीगर को छोटी मोटी चोट लग जाए तो वहाँ पर तुरंत हम उपचार कर सकें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। 5 से 7 पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी चीज़ को खतरे हो गया है उसको हम बचाने के क्या क्या तरीके होते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। अब कार्यशाला सुरक्षा ने सेफ्टी, फैक्ट्री की सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कार्यशाला के फैक्ट्री की सुरक्षा कि हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं कार्यशाला में। लो इसको भी ख़त्म कर लेते हैं आज ही, कल से दूसरा पढ़ेंगे। कार्यशाला सुरक्षा यानी कार्यशाला होता है फैक्ट्रीज की सेफ्टी पढ़ेंगे, फैक्ट्री में कितने कैसे सेफ्टी होती है। चलो आओ, हम जानते हैं कि कार्यशाला यानी फैक्ट्री में अधिकतर मशीनें वैद्युतिक सप्लाई पर प्रचालित होती हैं। आपको मालूम होगा कि जितने भी कार्यशाला हम फैक्ट्री है सबसे ज़्यादा जो मशीनें हैं तो वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर चलती हैं, ऑपरेट होती हैं। वैद्युतिक सप्लाई AC अथवा DC दो प्रकार की होती है। बिजली दो प्रकार की होती है, एक होती AC अल्टरनेटिंग करंट, दूसरी होती DC डायरेक्ट करंट।
सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीनें दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारे घर पे 230 वोल्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पे हम 550 वोल्ट लिया देंगे, 440 वोल्ट लिया देंगे, हमारे घर के सारे फ्यूज हो जाएंगे, लैंप, टीवी ख़राब हो जाएगी, कूलर ख़राब हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर, निश्चित मान जिसकी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा होने पर कार्यशाला ने फैक्ट्री में कार्य कर रहे कारीगर जैसे मैं हूँ, आप हो, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक मैकेनिक है, एक एम्प्लाई है, उसको दिक्कत हो जाएगी, खतरा हो जाएगा, यानी मशीन और एम्प्लाइयों को दोनों को खतरा होगा। ये बताइए, हमारे घर पर सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है, 230 वोल्ट में हमारे लैंप, टीवी, कूलर, पंखा, एसी सब चलते हैं, यदि यहीं पर थ्री फेज लिया देते हैं, 440 वोल्ट लिया देते हैं, सारे चीज़ जल जाएंगे, सारे चीज़ ख़राब हो जाएंगी, टीवी, पंखा, कूलर, एसी ख़राब हो जाएंगी, और जिसके कारण हमारे भी शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगी, हमारे भी खतरा हो सकता है। तो यही कह रहा है कि हमारे जो फैक्ट्री है, कार्यशाला है, लिमिट से ज़्यादा, उचित मान से ज़्यादा करंट आने पर एम्प्लाई को और मशीन की नुकसान दोनों की एक साथ हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि कार्यशाला में वैद्युतिक उपकरण मशीनों के साथ कार्य कर रहे कारीगर को इससे होने वाली दुर्घटनाओं का भी एक जान हो, ताकि उपयुक्त सुरक्षा अपनाकर दुर्घटना से बच सके। अतः कार्यशाला सुरक्षा के निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, उनको कारीगर को उनके झटके से या उनके नुकसान होने वाले दुर्घटनाओं का भी एक जान होना चाहिए कि किन किन कारण से दुर्घटना हो सकती है मशीन की, वर्कशॉप की, हमारी। पहला है, कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त व्यक्ति रक्षक उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहे तो हमारे मुंह पे मास्क होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ब्लैक वाला चश्मा होने चाहिए, कैप होनी चाहिए, टोपी होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा है, हम अपनी स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं, पहला नंबर बोल रहा है। दूसरा नंबर है, बहुत गर्मी है, प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कवर युक्त वैद्युतिक औजार पावर लीड का प्रयोग करना चाहिए। प्रशिक्षु होता है एक एम्प्लाई, एक कारीगर, एक मैकेनिक, एक इलेक्ट्रीशियन यदि काम कर रहा है, सारे चीज़ अचालक कवर युक्त वैद्युतिक होना चाहिए, अचालक आवरण युक्त होना चाहिए। हमारी जो प्लायर होती है, प्लायर की जो दोनों हैंडल होती हैं उसमें इंसुलेशन लगा होना चाहिए, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है तो उसके बिट में भी इंसुलेशन लगा होना चाहिए और हैंडल भी पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि मुझे करंट ना मारे। आपको यही बता रहा है कि प्रशिक्षुक इलेक्ट्रीशियन या एम्प्लाई हमेशा अचालक कवर युक्त वैद्युतिक औजार का उपयोग करें। वैद्युतिक औजार जो टूल्स होते हैं उनको अचालक वाले, इंसुलेशन वाले, रबर वाले ही करना है ताकि उनको करंट ना लगे, क्योंकि वो लाइन चालू लाइन पे वायर काटना है तो पता चले हम वायर काटे हमारे करंट लग गया, क्योंकि हमारे जो प्लायर है उसका इंसुलेशन खराब रहता है तो आपको करंट लग जाएगा। तीसरा है, विद्युत प्रचलित उपकरणों को नग्न हाथें अथवा इंसुलेशन रहित औजार से नहीं छूना चाहिए। जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनको हमें ऐसे टच नहीं कर देना चाहिए, हाथों से ऐसे टच नहीं कर देना चाहिए, और इंसुलेशन रहित है, यदि हमारे हाथों में इंसुलेशन नहीं है, हमारे पैरों पे जूता नहीं है, तो उनको नहीं छूना चाहिए। क्या पता, क्योंकि आपको बिजली दिख नहीं रही है कि इसमें करंट है या नहीं करंट है, पता चले आप टच कर दिए आपको करंट लग गया, भाई वो तो बताएगा नहीं कि भाई साहब मत छूना यहाँ पे करंट है, भाई साहब इसको मत टच करना यहाँ पे लीकेज करंट है, आपको नहीं बताएगा, आप जब टच करोगे पता चले आपको करंट लग गया। तो ये सभी चीज़ों से बचना है कि हमें ऐसे हाथों से नहीं टच करना, जो हमारे टूल से जो औजार हैं उसमें इंसुलेशन लगा होना चाहिए, तभी आप बचोगे, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा। चौथा नंबर इसी में है, वैद्युतिक कार्यशाला में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ साथ अन्य लोगों एवं मशीनरी की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें तो करंट लगेगा नहीं, हम नहीं बताएंगे इस मशीन पे करंट लीकेज है ताकि वो आए टच करे उसको करंट लग जाए। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको यदि मालूम है कि यहाँ खतरा है या इसमें करंट लीकेज आ रहा है तो आप लिख दोगे उसमें कि इसमें लीकेज करंट आ रहा है या खतरा है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आए उसको पढ़ के उसको टच ना करें। यदि आपको नॉलेज है तो आपको बताना चाहिए कि भाई इस मोटर पर लीकेज करंट आ रही, आप मत छूना नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। तो मतलब हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की भी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम बचे हैं दूसरा करंट लगने दो, तो ये गलत है। पांचवा नंबर है, कहा कि कार्यशाला में विद्युत
प्लग सॉकेट उपकरण, आपको मालूम हो प्लग होती है, सॉकेट होता है, जितने भी उपकरण होते हैं इत्यादि को गीले हाथों से नहीं स्पर्श करना चाहिए और ना ही उसकी मरम्मत करनी चाहिए। यानी आपको गीले हाथों से किसी भी प्रकार के स्विच हो गए, प्लग हो गया, कितने भी जो जितने भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण होते हैं आपको गीले हाथों से ना काम करना है उसमें से, ना तो स्विच को ऑन ऑफ करना, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। नेक्स्ट 55 नंबर, मेन पावर सप्लाई से तारों को संयोजित, मेन पावर लाइन जो होती है उसको तार को जोड़ना, संयोजित मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना, संयोजित करते समय उनकी विशिष्टताओं को ध्यान पे रखना चाहिए। विशिष्टताओं का मतलब, तो जब मेन पावर हमारी सप्लाई होती है, जो मेन लाइन होती है, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं या संयोजित करते हैं तो ध्यान से जोड़ना है कि हम कौन सा वायर किस में जोड़ रहे हैं, कहीं गलत ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, आग लग सकती है और आपको करंट का झटका लग सकता है। फिर इसी में आ जाते हैं, 7वां नंबर दिया गया है कि प्रशिक्षक को मेंस से संयोजित, मेंस से संयोजित सभी उपकरणों को उचित परास एवं मानक सॉकेट आउटलेट में ही लगाकर प्रचालित करना चाहिए। प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर्स जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं, उनको जो मेन से संयोजित सभी उपकरण, मेन जो सप्लाई होती है, जितने भी उपकरण होते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए, तभी उनकी जानकारी के अनुसार ही काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है और काम करने चल रही है, तो इसके कारण भी नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर, कार्यशाला में विद्युत संबंधी कोई खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि वह इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दे दें। आपके वर्कशॉप हो गया, आपके कंपनी हो गई, आपके इंडस्ट्री हो गई, कहीं भी यदि आप काम कर रहे हो, यदि आपसे जो मशीन नहीं बनती खराब हो गई है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जो कई प्रकार की जो मशीनें होती हैं खराब हो गई है, उसका फॉल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि हम अपने अधिकारी को बता दें, सुपरवाइजर को बता दें, अपने मालिक को बता दें, ताकि वो बना दे, वो कर दे। ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है फिर भी खराब हो गई मशीन और आप खोल के बनाना चालू कर दोगे, वो आप खराब कर सकते हो। 9वां नंबर दिया गया है, अल्प ज्ञान के आधार पर विद्युत संबंधी कोई खराबी कभी भी स्वयं ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ कि अल्प ज्ञान के आधार पर, यदि किसी भी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, यदि उसके मशीन खराब हो गई है, तो आपको मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए। यदि जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसको हम खोल देंगे, खराब हो जाएगी, जल जाएगी और हमें भी नुकसान हो सकता है, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। 10वां नंबर है, कार्यशाला में कार्य करने से पहले, वर्कशॉप में काम करने से पहले कार्यशाला संबंधी नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए। यानी वर्कशॉप में काम कर रहे हो या फर्स्ट दिन गए हो, नई नई ज्वाइनिंग है, तो काम करने से पहले आपको वहाँ की सारी चीज़ें जानकारी हो जानी चाहिए। आपको अपने सीनियरों से, जो पुराने वर्कर हैं, पुराने एम्प्लाई हैं, उनसे पूछना चाहिए, फिर काम करना चाहिए कि इसका मेन पावर कहाँ है, मेन सप्लाई कहाँ है, इसके MCB कहाँ है, ये कहाँ से मशीन कंट्रोल होती है, कहाँ से चालू होती है, कहाँ से बंद होती है, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप काम करोगे, अन्यथा नहीं करना चाहिए। गलत मशीन का गलत यूज करोगे, अब गलत सप्लाई से जोड़ दोगे तो मशीन खराब हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि कार्यशाला में काम करने से पहले अवलोकन कर लेना चाहिए, सारी चीज़ को जानकारी कर लेना चाहिए, नियम को समझ लेना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। तो ये हैं जो सेफ्टी से संबंधित के काम करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान पर रखना है, यानी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में सेफ्टी कैसे की जाती है। तो आज के यहीं पे क्लास एंड करते हैं और इसके आगे हम लोग कल सुरक्षा चिन्ह पढ़ेंगे। और ये आज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फैक्ट्री में काम करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखना है, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, किसी को करंट लग गया हम कैसे बचा सकते हैं, मृत्यु से उसको हम कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे उपचार कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद हम अपन कल क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस यही करते हैं। कुछ डाउट है कमेंट कर लेना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।